हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो उन लेडीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली है या फिर जिनकी अभी हाल फिलहाल में ही डिलीवरी हुई है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें कौन सा बेल्ट लगाना चाहिए, कौन सा एब्डोमिनल बेल्ट लगाना चाहिए। ये मेरे पास दो बेल्ट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सबसे पहला बेल्ट है जो कि इलास्टिक का है, स्ट्रेचेबल है, और जो दूसरा बेल्ट है वो कॉटन का है, कुछ इस तरह का कॉटन का है। इसमें ऐसे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये प्योर कॉटन है। तो कुछ इस तरीके का ये बेल्ट है। तो हमें डिलीवरी के बाद से कौन सा बेल्ट हमें लगाना चाहिए, बेल्ट कब से कब तक लगाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें बेल्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। तो इन दोनों बेल्ट्स में से मैं आपको बताऊंगी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको कौन सा बेल्ट लगाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी क्योंकि मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो मैंने कौन सा बेल्ट यूज किया है और बेल्ट कब से कब तक यूज किया है, क्यों यूज किया है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा, किसी काम का लगेगा, तो ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें एब्डोमिनल बेल्ट क्यों लगाना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट होता है लगाना। तो सबसे पहले हम सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन की बात करते हैं कि हमें एब्डोमिनल बेल्ट क्यों लगाना चाहिए। तो देखिए, सिजेरियन डिलीवरी के समय क्या होता है कि हमें कोई पेन नहीं होता है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी के बाद से ही, जैसे ही हमारी बॉडी में सेंसेशन शुरू होता है, एनेस्थेसिया का इफेक्ट ख़त्म होता है, उसके बाद से हम बॉडी का हर मोमेंट, जो भी मोमेंट करते हैं, उसमें इतना पेन होता है कि जब हम करवट लेते हैं तो हमें पेन होता है, हम खुद से उठ नहीं सकते हैं, खुद से बैठ नहीं सकते हैं, हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है उठने के लिए, बैठने के लिए, कभी कभी तो साइड करवट लेने के लिए भी हमें किसी का हेल्प लेना पड़ता है। इसके अलावा हम सिजेरियन डिलीवरी के बाद से अपने प्रॉपर बैठ के हम बेबी को फीड नहीं करा सकते हैं, वो भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करते हैं तो हमें इन सब कामों को आसानी से करने में हेल्प मिलती है। जब हम एब्डोमिनल बेल्ट को लगाते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद से, तो हम आसानी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, बेबी को अच्छे से हम फीड करा सकते हैं, बैठ के कंफर्टेबल होके बेबी को हम अच्छे से फीड करा सकते हैं। तो बहुत ही इजी हो जाता है सिजेरियन डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करके हम अपने डेली के काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहला कारण हो गया कि एब्डोमिनल बेल्ट से सिजेरियन डिलीवरी में हमें, हमारी बॉडी को कंफर्ट मिलती है, हमें आराम मिलता है, इसलिए हमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यूज करना। अब दूसरे कारण की बात करते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी में हमें एब्डोमिनल बेल्ट क्यों यूज करना चाहिए। तो देखिए, चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, जब हम 9 मंथ तक हमारा टमी, जो हमारा एब्डोमेन होता है, बेबी बम्प होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमारे पेट का स्किन भी स्ट्रेच हो जाता है, हमारा यूट्रस का साइज भी स्ट्रेच हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो वो यूट्रस का साइज और पेट का साइज काफ़ी सैगी हो जाता है, वो लूज हो जाता है, पेट के एरिया में जो स्किन होती है, तो इससे हमारी स्किन में काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद से, तो हमें एक अपने बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए हेल्प मिलता है। एब्डोमिनल बेल्ट का जब हम यूज करते हैं तो पेट हमारा जो होता है वो
आसानी से अंदर जल्दी जाने में वो हेल्प दूसरा करता कारण है। है जिसके कारण हमें सिजेरियन डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट यूज करना चाहिए, तो वो है कि सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे हमारे बैक में एनेस्थेसिया दिया जाता है जो हमारे बॉडी को अनकॉन्शियस करता है। लेकिन जैसे ही हमारी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो सिजेरियन डिलीवरी के अर्ली कंडीशन में हमें बैक पेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं, अपने बेबी को फीड नहीं करा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं या लेटते हैं तो हमें बैक पेन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करते हैं तो इससे हमें बैक को भी हमारे सपोर्ट मिलता है और हम आसानी से बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हम अपने बेबी को फीड करा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगला कंडीशन है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद से हमें एब्डोमिनल बेल्ट का यूज क्यों करना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद से ही भी वही सिचुएशन होती है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद से हमारे पेट का स्किन काफ़ी लूज हो जाता है, सैगी हो जाता है। हमारा यूट्रस जो होता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है यूट्रस में से, तो यूट्रस भी बहुत ज़्यादा सैगी लूज हो जाता है। तो इससे हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, हम कोई काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद से अगर हम एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है, हमारे बॉडी को एक शेप मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करते हैं तो हमारा पेट भी कम होता है, हमारे पेट को भी अंदर जल्दी जाने में आसानी होती है और वो जल्दी हेल्प मिलती है पेट को कम करने में। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमें नॉर्मल डिलीवरी के बाद से और सिजेरियन डिलीवरी के बाद से हमें एब्डोमिनल बेल्ट का यूज जरूर अब करना हम जानते चाहिए। हैं कि डिलीवरी के बाद से, सिजेरियन डिलीवरी के बाद से या नॉर्मल डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट का यूज कब से स्टार्ट करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में जानते हैं। तो देखिए, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उस कंडीशन में आपको एब्डोमिनल बेल्ट का यूज जब आपके स्टिचेज ओपन हो जाएं, जब आपके टाँके खुल जाएं, तब से लगाना स्टार्ट करना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में 1 वीक तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है और 1 वीक के अंदर ही स्टिचेज ओपन होते हैं। और जैसे ही स्टिचेज ओपन होते हैं, हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ मेंबर होता है, जो भी नर्सेज होती हैं, जो स्टिचेज आपके ओपन करती हैं, खोलती हैं, वो तुरंत स्टिचेज को निकाल के और एब्डोमिनल बेल्ट को लगा देती हैं ताकि आप अपने डेली के काम को आसानी से कर पाएँ, आप आसानी से उठ पाएँ, बैठ पाएँ, अपने बच्चे को फीड करा पाएँ। तो आपको डिलीवरी के स्टिचेज जब आपके खुल जाएं तो आपको एब्डोमिनल बेल्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं और अपनी पर्सनल सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बताऊं, तो मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उस कंडीशन में मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटलाइज रही और 6वें दिन मेरा जो स्टिचेज है वो ओपन हो गया। और जिस दिन मेरा स्टिचेज ओपन हुआ, उन्होंने हॉस्पिटल की जो भी नर्सेस थी जिन्होंने स्टिचेज ओपन किया था, उन्होंने तुरंत स्टिचेज को निकाल के और एब्डोमिनल बेल्ट को लगा दिया था। और मैंने डिलीवरी के 3 मंथ तक, 3 महीने तक डेली एब्डोमिनल बेल्ट का यूज किया। और क्या बॉडी को कंफर्ट मिलता है, क्या आराम मिलता है, ये तो आप जब सिजेरियन डिलीवरी के बाद से एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद से जब आपके स्टिचेज ओपन हो जाएं तब से आपको एब्डोमिनल बेल्ट लगाना स्टार्ट करना है। और डिलीवरी के बाद से 3 महीने तक आपको लगातार एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ करना और है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के कंडीशन की बात करें कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में कब एब्डोमिनल बेल्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए और कब तक लगाना चाहिए, तो देखिए नॉर्मल डिलीवरी में तो कोई चीरा नहीं लगता है, कोई घाव नहीं होता है। तो आप डिलीवरी के 1 या 2 दिन से बाद से ही आप एब्डोमिनल बेल्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं और डिलीवरी के 3 महीने तक डेली आपको एब्डोमिनल बेल्ट लगाना है, जिससे कि आपका यूट्रस का साइज, आपके पेट का साइज अंदर जा सके और आपको आपके बॉडी को शेप मिल अब सके। आते हैं मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि
डिलीवरी के बाद से, सिजेरियन डिलीवरी के बाद से और नॉर्मल डिलीवरी के बाद से हमें कौन सा एब्डोमिनल बेल्ट लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने आप सबको दो बेल्ट दिखाए थे, ये कॉटन का बेल्ट दिखाया था, ये कुछ इस तरीके का है, और दूसरा ये जो इलास्टिक का बेल्ट है जो कि स्ट्रेचेबल है उसको दिखाया था। तो इन दोनों में से कौन सा बेल्ट हमको लगाना चाहिए? तो देखिए, इन दोनों में से एक या दो नहीं, ये दोनों बेल्ट हमको लगाने चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ कि इन दोनों बेल्ट्स का यूज हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, ये जो कॉटन का बेल्ट है, सबसे पहले तो हमें ये लगाना चाहिए। अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जब हमारा स्टिचेज ओपन होता है तो हॉस्पिटल वाले खुद नर्सेज सबसे पहले इलास्टिक, ये जो इलास्टिक का बेल्ट है उसको नहीं लगाने देते हैं वो लोग, सबसे पहले ये कॉटन का बेल्ट लगाते हैं। क्योंकि ये जो कॉटन का बेल्ट है वो हमारे कमर से लेकर और पेट तक ये उसको सपोर्ट देता है, पूरा जो हमारा एब्डोमेन का एरिया है जो सैगी हो गया है उसको सपोर्ट देता है। और दूसरी बात कि सीजरियन डिलीवरी में जो हमारे स्टिचेज लगे होते हैं, जो हमें चीरा लगा होता है, अगर उस कंडीशन में हम सबसे पहले ये जो रबर का है, जो इलास्टिक का बेल्ट हम लगाते हैं, तो ये जो इसका नीचे का एरिया है वो थोड़ा सा टाइट होता है, तो ये मेन हमारे जो चीरा लगा होता है वहीं पे इसका प्रेशर पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एक हफ्ते तक सिजेरियन डिलीवरी के बाद से हमें कॉटन का ये जो बेल्ट है उसको लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारे जो चेस्ट एरिया है वहाँ से लेकर और कमर तक के ये सपोर्ट देता है, और सारे स्किन को एक साथ ले जाकर और वहाँ पे इकट्ठा करके आप उसको एक कंफर्टेबल तरीके से बांध सकते हो। ये कुछ इसमें ऐसे दिया हुआ है जो कि मैं आगे अभी बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉटन का बेल्ट लगाना है। आप कुछ इस तरीके से इसको आप ये देख सकते हैं, एक साइड से किसी चीज को हम बांधते हैं तो सबसे पहले ये जो नीचे का पोर्शन है ये हमको एक साइड पे करना है अपने पेट पे रख के। आप किसी का हेल्प लेके फिर इसका यूज करिए और इसके ऊपर से ये बांधिए। इतना सपोर्ट ये देता है ये कॉटन का कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये हर हॉस्पिटल में मिलता है, और ये जो रबर वाला है जो कि ऐसे ओपन होता है, ये तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले पहले ये कॉटन का ही बेल्ट हमें देते हैं जो कुछ इस तरीके का है। तो आप लेट के और आसानी से किसी का हेल्प लेके कुछ इस तरीके से आप पेट पे ऐसे रख के एक साइड से, और ये इस तरीके से ये रख के और फिर इसको आप बांध सकती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और दूसरी चीज़ कि हमें कॉटन का बेल्ट सबसे पहले क्यों यूज करना है, कि मान लीजिए कि आपकी गर्मियों के सीजन में आपकी डिलीवरी हुई है तो उस समय बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, और स्वेटिंग के कारण आपके जो चीरा लगा है, जो स्टिचेज पड़े हैं, उसमें ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप कॉटन का ये बेल्ट यूज करती हैं तो इसके कारण से आपके स्टिचेस में आपके जो चीरा लगा है उसमें पसीना नहीं होगा और खुजली नहीं होगी, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है इस कॉटन बेल्ट का यूज़ करने का, तो आप उसको ध्यान रखना है। और दूसरा, अगर मैं इस बेल्ट को आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये पूरा सपोर्ट देता है। इसमें देखिए, ये एक लोहे की इसमें रॉड भी डली होती है जो हमारे कमर को सपोर्ट देता है। तो इसको कॉटन का बेल्ट लगाने के बाद से अगर इसको आप लगाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तब होगा। कॉटन का बेल्ट हमें लगाना बहुत ही ज़रूरी है उसके नीचे, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ और कि ये जो इलास्टिक वाला ये जो बेल्ट है, ये सिर्फ देख सकते हैं आप लोग कि ये सिर्फ आपके जो पेट है उसको ही सपोर्ट देता है, ये कमर के एरिया को नहीं सपोर्ट देता है। तो अगर आप कॉटन का बेल्ट नीचे से आप यूज़ करेंगे तो ये वो कॉटन का बेल्ट ऊपर से लेकर और नीचे तक सपोर्ट देता है, और उसके बाद से आपको इसको लगाना है। तो ये तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल सकता है। तो सिजेरियन डिलीवरी के पास से आपको इम्पोर्टेंस ये ध्यान देना है कि सिजेरियन डिलीवरी के एक हफ्ते तक सिर्फ आप कॉटन का बेल्ट यूज़ करिए, क्योंकि अभी घाव नया नया होता है, घाव भरा नहीं होता है पूरी तरीके से,
तो हॉस्पिटल वाले ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको कॉटन का बेल्ट यूज करना है, उसके बाद से जब आप एक हफ्ते आपके घाव भर जाएं तो उसके बाद से आपको ये इस बेल्ट का मैं यूज यही करना है। रिकमेंड करूंगी कि आपको दोनों कंडीशन में, सीजेरियन डिलीवरी के कंडीशन में और नॉर्मल डिलीवरी के कंडीशन में, दोनों कंडीशन में इन दोनों बेल्ट का ही यूज करना चाहिए। इससे आपके बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, आपके पेट को कम करने में हेल्प मिलेगा, बहुत सारी हेल्प आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको डिलीवरी के बाद से, सिजेरियन डिलीवरी के बाद से, नॉर्मल डिलीवरी के बाद से हमें कौन से एब्डोमिनल बेल्ट का यूज करना चाहिए, एब्डोमिनल बेल्ट का यूज हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए, कब तक स्टार्ट करना चाहिए, कौन से बेल्ट का यूज करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, किसी काम का लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।